आपके साथ। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन गुरुवार देर रात भारत दौरे पर पहुंचे। ब्लिंकन ने यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों देशों के मंत्रियों के बीच 2+2 बैठक हुई। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका से कनाडा मुद्दे पर भी बातचीत हुई। हम पहले इस मामले में अपना रुख साफ कर चुके हैं। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा, हम सुरक्षा मामले को लेकर चिंतित हैं और अमेरिका हमारी चिंताओं को समझता है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हमने चीन की वजह से मौजूद खतरों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर बातचीत की, लेकिन हमारी बैठक सिर्फ इसी मुद्दे पर केंद्रित नहीं थी। बैठक से पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, भारत एक वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरने वाला देश है। अमेरिका शांत और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए भारत का सपोर्ट करता है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ब्लिंकन के दौरे से भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। ये 5वीं बार है जब भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग हो रहा है। इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे थे। 2+2 डायलॉग की शुरुआत 2018 में हुई थी। इसका लक्ष्य भारत अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक में रक्षा सहयोग बढ़ाना है। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।